Wrestler Divya Kakran's recent struggles were nowhere to be seen as the 2018 Asian Games bronze medalist grabbed a gold medal at the special event at the ranking series in Almaty. And it was also her first gold medal at the ranking series. Last month, Divya also qualified for the Commonwealth Games 2022. She won the bronze medal in the last edition of the Asian Games. In a special chat with NNI Sports, Divya says, हाँ जी मैं जितनी मेहनत मैंने करी थी मुझे दिख रहा है कि हाँ धीरे धीरे मैं निकल के आ रही हूँ। अभी दो साल मेरे बहुत बेकार गए हैं, मतलब बेकार मतलब उनके कारण ही आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि वो जो दो साल मेरे अच्छे नहीं गए उनके कारण मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी जिसके कारण आज मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में सिलेक्शन हुआ और आज रैंकिंग सीरीज में मेरा पहली बार गोल्ड मेडल आया है और मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बट जो मैं देना चाहती थी वो अभी कहीं ना कहीं कमी है, उस पर अभी मैं वर्क करूँगी। और अभी हमारे दोबारा इटली में भी रैंकिंग सीरीज है तो मैं उसके लिए भी काफ़ी अभी 10 दिन है, तो जो जो गलती मेरी वहाँ पे हुई है वो मैं यहाँ पे सुधारने की कोशिश करूँगी। काफ़ी बुरा लगा क्योंकि दोनों चीज़ के लिए पूरी पूरी मेहनत चल रही थी और पिछली बार ओलंपिक में भी मेरा ऐसे ही हुआ था, ओलंपिक के लिए मेरी काफ़ी अच्छी मेहनत चल रही थी। पर लेकिन ये है कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स मिल चुके हैं, अगर ये ना मिलते तो ज़्यादा दुख होता क्योंकि पिछली बार मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, उसके बाद भी ओलंपिक चला गया था और तब ओलंपिक आया तो मुझे कोविड था तो उस कारण तो थोड़ा ये रहा। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी चल रही है, बाकी फिर देखते हैं। नहीं, मैंने काफ़ी मेहनत करी है और दिव्या काकरा ना ही है, आप सबकी दुआओं से, प्यार से, आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से। और 2018 में दोनों में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लाऊं देश के लिए। हाँ जी, उस पर पूरी तैयारी चल रही है मेरी। और जब मैं 2021 में ओलंपिक की ट्रायल हार गई थी उस तभी मैंने पेरिस की तैयारी शुरू कर दी थी कि जो गलती मैंने 2020-21 में करी है वो मेरी 24 में ना हो, तो उसकी तैयारी पूरी चल रही है जी।